बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, हाउ आर यू? आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो, सिटी कैंपस भलवाल। इट्स साइंस ग्रेड 6, टाइटल ऑफ द चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड इट्स आवर लेक्चर नंबर 12। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाला जो लेक्चर है ये एक्चुअली आपके पूरे चैप्टर की रिविजन के लिए है। ये इसलिए है कि ईद के बाद आपका मंथली टेस्ट होने जा रहा है और उसमें ये पूरा क्या पूरा चैप्टर इंक्लूड है। चैप्टर के साथ इसकी एक्सरसाइज भी इंक्लूड होगी। जैसा कि आपको पता है कि अगर पूरा चैप्टर टीचर पढ़ा दे तो एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व करनी होती है। जी हां, तो ये जो चैप्टर था एक्चुअली ये स्टार्ट होता है फूड से। मैं पूरे चैप्टर को आपके सामने रिवाइज करूंगा ताकि आपको मंथली टेस्ट में अच्छे नंबर लेने में मदद मिले। डियर स्टूडेंट, फूड में हमने ये कहा था कि फूड इज द नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। और फूड असल में करता क्या है? फूड गिव्स अस नंबर 1 एनर्जी, हमें एनर्जी देता है और साथ में उस एनर्जी की वजह से हम मुख्तलिफ किस्म के जो काम होते हैं वो सरंजाम दे सकते हैं। इसके साथ फूड हमारी हेल्प करता है कि हम क्या करें, नंबर 1 हम ग्रो कर सकें और नंबर 2 हम हेल्दी रह सकें। फूड हेल्प अस टू कीप हेल्दी। इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम फूड करता है कि ये रिपेयरिंग करता है हमारे जिस्म के अंदर जहां जहां पे तोड़ फोड़ होती है, वियर एंड टियर होता है, उसको रिपेयर करता है। फूड के बाद हमने फिर बात की थी डियर स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जी हां, क्या आपको पता है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स असल में वो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए जरूरी होते हैं और साथ में ग्रोथ के लिए। तो मैं इसको यू डिफाइन करूंगा कि डिफरेंट सब्सटेंसेस इन फूड विच आर यूजफुल टू आर बॉडी। ये सब्सटेंसेस होती हैं और ये प्रेजेंट होती है फूड के अंदर और ये यूजफुल फॉर आर बॉडी, हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदामंद होती हैं। और क्या आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? नंबर 1 प्रोटीन आती है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स न्यूट्रिएंट्स के अंदर शामिल हैं। नंबर 4 पे मिनरल्स इसके अंदर शामिल हैं, उसके साथ विटामिन्स भी न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा है और रफेज एंड वाटर। याद रखिएगा, रफेज को हम फाइबर भी बोल सकते हैं और उसके साथ वाटर। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंसेस विच हेल्प आर बॉडी टू ग्रो। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो क्यों ना जल्दी से कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो चैप्टर में हमने पढ़ा था उनके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको रिपीट करवा दूं। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा और प्रोटीन का फायदा क्या था आपको याद होगा, हमने ये पढ़ा था कि ये बिल्ड करते हैं हमारे मसल्स को, उसके साथ हमारे ऑर्गन्स को और नंबर 3 पे ब्लड को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे फूड का है, इसी वजह से प्रोटीन को जो नाम दिया गया वो बॉडी बिल्डिंग फूड का नाम दिया गया, बॉडी बिल्डिंग फूड। और ये चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट्स, जो छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा मिकदार में प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन रिपेयरिंग का काम भी करता है, रिपेयर करता है हमारे जिस्म के अंदर जहां भी कुछ वियर एंड टियर होती है तो उसको रिपेयर करता है। ये प्रोटीन किस किस फूड में मौजूद होता है? तो मीट के अंदर ये मौजूद होता है डियर स्टूडेंट्स, चिकन है, मटन है और बीफ है। इसके साथ साथ फिश के अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं, मिल्क के अंदर प्रोटीन मौजूद है, एग्स के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है,
पल्सेस जो हैं, दालें हैं मुख्तलिफ किस्म की, उनके अंदर प्रोटीन, चीज के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होता है डियर स्टूडेंट्स, और नट्स के अंदर भी खास तौर पर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ये मैंने आपके सामने प्रोटीन्स को एक्सप्लेन किया, क्यों ना अब हम जल्दी से कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर लें कि कार्बोहाइड्रेट्स भी तो बड़े इंपॉर्टेंट थे और हमने बड़ी डिटेल में उन पर बात की। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, जो इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रखिएगा, जो बंदा ज्यादा फिजिकल वर्क करता है उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए है, और जिसका फिजिकल वर्क कम है वो कम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करे। और शुगर भी कार्बोहाइड्रेट्स थे, आपको याद होगा पोटैटोस के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, और इसके साथ जो हम राइस इनटेक करते हैं, हम राइस खाते हैं, उनके अंदर भी काफी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने फैट्स के ऊपर भी बात की थी कि फैट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये भी एनर्जी देते हैं। तो उसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कलेक्टिवली एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। एनर्जी हमें देते हैं और हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं, और इसके साथ साथ ज्यादा फैट्स हमारे लिए अच्छी नहीं है। फैट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक एनिमल फैट है और दूसरी प्लांट फैट है। तो एनिमल फैट स्पेशली इससे रोका गया है कि इसकी ज्यादा क्वांटिटी हमने नहीं लेनी है, मतलब घी वगैरह से, ऑयल से दूर रहना। ये फैट मौजूद किस में होता है, ऑयल में मौजूद होता है, बटर के अंदर ये फैट्स मौजूद हैं, घी के अंदर फैट्स मौजूद हैं, नट्स के अंदर फैट मौजूद हैं, और फिश के अंदर मौजूद हैं। इनमें से आप देख सकते हैं कुछ प्लांट ओरिजिन है, जैसा कि नट्स है, ये प्लांट से हमें हासिल होता है। इस तरह घी बाजू का प्लांट से भी हम लेते हैं, लेकिन इसका एनिमल सोर्स भी होता है। जी डी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने बात की थी विटामिन्स के हवाले से। विटामिन्स और मिनरल्स पे हमने बात की थी। विटामिन्स पे हमने क्या बात की थी, हमने ये कहा था कि ये स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होता है, थोड़ी मिकदार में इसकी हमारे जिस्म को जरूरत होती है, और इसके साथ ये बॉडी को हेल्दी रखते हैं, और साथ में ये फाइट करते हैं डिजीज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इनको इसलिए प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहा था, फाइट डिजीजेस, और ये एक स्मॉल अमाउंट में हमें डेली लेना चाहिए। और विटामिन्स में आपको याद होगा हमने ए बी सी डी और विटामिन ई और विटामिन के बारे में बात की थी। ये विटामिन्स आपके सामने हैं, और उसके बाद हमने मिनरल्स के अबाउट भी बात की थी। आपको याद होगा कि मिनरल्स भी प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, और ये थोड़ी मिकदार में चाहिए, ये हमें हेल्दी रखते हैं, ये बीमारियों के खिलाफ फाइट करते हैं, फाइट विद डिजीजेस, इसी वजह से इन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। आपको पता है कि हमने कैल्शियम मिनरल पे बात की थी कि कैल्शियम जो मिनरल है ये हमारे जिस्म को चाहिए है, ये बोन्स और टीथ के लिए जरूरी है, और आयरन मिनरल भी चाहिए है, ये जिस्म के अंदर ब्लड फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है, खून बनाने में आयरन का एक रोल होता है। और ये हमें किस किस फूड से मिलता है, वीट से, मीट से, एग, फिश, मिल्क, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने वाटर के और रफेज जो पार्ट है उस पर बात की थी। रफेज को हमने क्या कहा था कि ये फाइबर पार्ट ऑफ द बॉडी है, इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि हमारे जिस्म से अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे जिस्म से बाहर निकालता है, अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे जिस्म से बाहर निकालता है। फिर हमने ये कहा था कि जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं ये सारी की सारी रफेज हैं या फाइबर पार्ट ऑफ द बॉडी है। डियर स्टूडेंट, फिर हमने वाटर के ऊपर बात की थी, और वाटर हमने ये आपसे सवाल पूछा था कि क्या आपको पता है कि हमारे जिस्म का कितने फीसद हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक था, 70%। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जिस्म के लिए, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है,
खुराक की ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड की ट्रांसपोर्ट करता है और उसके अलावा वेस्ट की ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे जिस्म से पानी आपको पता है रिमूव भी होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट भी निकलता है और साथ में यूरिया की सूरत में भी निकलता है। इसका मतलब है हमारे जिस्म को पानी की मिकदार की जरूरत होती है। जो फल सब्जियां जो खुराक हम खाते हैं उसके अंदर पानी मौजूद होता है, लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ मजीद पानी डेली ड्रिंक करना चाहिए। तो हमने यह देखा था कि हमें 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली लाजमी पीने चाहिए और मौसम के हिसाब से यह चेंज होता रहेगा। पानी की ज्यादा मिकदार पीनी जरूरी है, क्योंकि अगर पानी की कमी हो जाए तो वो डिहाइड्रेशन हो जाएगी और डिहाइड्रेशन का नुकसान होता है जिससे हमारा ब्लड जो होता है वो ज्यादा थिक हो जाता है और उससे नुकसान होता है। डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या किया था, हमने उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में बात की थी। क्या आपको याद है, हमने ये कहा था कि अगर आप बैलेंस फूड नहीं लेंगे तो फिर आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे जिसको डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हमारे जिस्म को चाहिए वो मौजूद होते हैं। ये हम न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं ले पाते, रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से, अनहेल्दी मेथड्स ऑफ कुकिंग और साथ में पॉवर्टी की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, फिर आपको याद होगा हमने बात की थी डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, हमने बात की थी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के बारे में, और आपको वो बीमारियां भी याद होंगी क्वाशिकोर और साथ में मारास्मस, ये उसमें था। फिर डियर स्टूडेंट्स हमने बात की थी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स के बारे में, जिसमें हमने विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, के, उनसे मुख्तलिफ जो बीमारियां जन्म लेती हैं उसके बारे में बात की थी। और फिर उसके बाद हमने डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की भी बात की। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा आपके इस कोर्स का हिस्सा है और ये नेक्स्ट आपका जो मंथली टेस्ट है उसमें जरूर डिस्कस होगा। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है और मंथली टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना है। थैंक यू वेरी मच।